हेलो वीवर्स, मैं डॉक्टर रचना होम्योपैथिक फिजिशियन, आज मैं आप लोगों को हाई क्रिएटिनाइन इन किडनी की होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे कि आप होम्योपैथिक मेडिसिन से किस तरीके से किडनी यूरिन में जो क्रिएटिनाइन लेवल बढ़ जाते हैं उनको किस तरीके से आप ट्रीट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। क्रिएटिनाइन इज अ कंपाउंड विच प्रोड्यूस बाय द मेटाबॉलिज्म ऑफ क्रिएटिनाइन एंड एक्सक्रिएटेड इन द यूरिन इज कॉल्ड एज क्रिएटिनाइन। क्रिएटिनाइन इज अ रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी बाय द किडनी विच फिल्टर्ड ऑलमोस्ट ऑल द ऑफ इज फ्रॉम द ब्लड एंड रिलीज इट इन टू द यूरिन। क्रिएटिनाइन का जो वर्क है वो किडनी से जो भी वेस्ट मटेरियल फॉर्मेशन एंड फिल्ट्रेशन जो फंक्शंस हैं उनको मेंटेन करता है। ये किस कारण से होते हैं, हाई लेवल क्रिएटिनाइन के किस तरीके से बढ़ जाते हैं क्रिएटिनाइन के, कॉजेज ऑफ क्रिएटिनाइन। आई के सी के डी क्रॉनिक किडनी डिजीजेस के कारण हो जाते हैं, किडनी ऑब्स्ट्रिक्शन के कारण हो जाते हैं, डिहाइड्रेशन, इंक्रीज प्रोटीन इन यूरिन, सर्टेन ड्रग अफेक्टेड, लो मसल्स मास एंड प्रेगनेंसीज ड्यूरेशन एंड ऑलमोस्ट अदर किडनीज हेल्थ इश्यूज, इनके कारण क्रिएटिनाइन लेवल का बढ़ना घटना डिपेंड होता है, जिनके कारण से ये क्रिएटिनाइन का लेवल बढ़ जाते हैं। इनके साइनिंग सिम्टम क्या होते हैं, क्रिएटिनाइन लेवल जब बढ़ जाते हैं तो हाई क्रिएटिनाइन ऑफ साइनिंग सिम्टम, डिहाइड्रेशन, वीकनेस, स्वेलिंग, शॉर्टनेस ब्रीथिंग, सांस लेने में दिक्कत होती है, डिफिकल्टीज ब्रीथिंग, कन्फ्यूजिंग, नौशिया एंड वॉमिटिंग, ड्राई स्किन, यूरिन बर्निंग सेंसेशन, डिफिकल्टीज यूरिनेटेशन। लेवल ऑफ क्रिएटिनाइन ये टू टाइप्स के होते हैं, हाई क्रिएटिनाइन एंड लो क्रिएटिनाइन। इनके नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होती हैं, नॉर्मल लेवल ऑफ क्रिएटिनाइन 0.6 to 1.2 इन ब्लड, 0.6 to 1.2 mg पर डायलूशन एडल्ट, 0.5 to 1.1 mg पर DL एंड फीमेल। ये नॉर्मल वैल्यूज़ होती हैं इनकी किडनी क्रिएटिनाइन की। अदर कॉम्प्लिकेशन ऑफ किडनी क्रिएटिनाइन, क्रिएटिनाइन लेवल बढ़ जाने के कारण जो अदर कॉम्प्लिकेशन होते हैं क्रॉनिक किडनी डिसऑर्डर की तरीके होते हैं, किडनी फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, स्रिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उनके ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत होने लगती है। तो क्रिएटिनाइन एक मेजर रोल प्ले करता है किडनी में। अगर आप सफ़र कर रहे हैं क्रिएटिनाइन से कि आपका लेवल माइल्ड बढ़ा हुआ है या ज़्यादा है, या आप कोई कन्वेंशनल ट्रीटमेंट ले रहे हो उसके साथ आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं विदाउट एनी साइड इफेक्ट, बोथ ट्रीटमेंट यू कैन यूज़ नो साइड इफेक्ट। इनका एक सिंगल मेडिसिन मैं आपको बता रही हूँ होम्योपैथी में, एक कॉमन मेडिसिन है, आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं साथ में। ये एक ड्रॉप है एलन कंपनी, एलन एक जर्मनी प्रोडक्ट है, ये एनएल ड्रॉप है A87। इसको 15 ड्रॉप 3 टाइम्स अ डे फॉर 24 वीक के लिए यूज़ करना है। अगर आपके ब्लड में यूरिन में क्रिएटिनाइन लेवल बढ़ गया है, तो हाई क्रिएटिनाइन लेवल है किडनी में, तो आप ये ड्रॉप यूज़ कर सकते हैं वार्म वाटर में, हाफ कप वाटर वार्म वाटर में 15 ड्रॉप्स यूज़ करके 3 टाइम्स अ डे यूज़ करें। ट्रीटमेंट के ड्यूरिंग में आपको पिकल्स अवॉइड करना है, एक्सेसिव सॉल्ट स्वीट्स पिकल्स को अवॉइड करना है। और अगर आप कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं हाई क्रिएटिनाइन लेवल से रिलेटेड, हाई क्रिएटिनाइन इन किडनी से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।